हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड थाना क्षेत्र के आलावास मार्ग पर मंगलवार देर रात को बाइक पर आए तीन बदमाश पिस्तौल दिखाकर एक युवक से करीब 1 किलो सोने के आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित मोहनलाल जाट देर रात थाने पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने पर सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार, सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी, सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाकर भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन लुटेरों का सुराग नहीं लग पाया था। आलावास गांव निवासी मोहनलाल जाट की सोजत रोड के महाराणा प्रताप सर्कल पर गिरवी की दुकान है। लोगों के गहने गिरवी रखकर वो रुपए फाइनेंस पर देता है। हमेशा की तरह मोहनलाल जाट मंगलवार रात करीब 8:15 बजे दुकान बंद कर दुकान में रखे गिरवी के आभूषण करीब 1 किलोग्राम एक बैग में भरकर घर की ओर रवाना हुआ। जब वो आलावास रोड पर पहुंचा, तो सामने से बाइक पर आए तीन युवकों ने उससे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस बीच एक युवक ने पिस्तौल निकाली तथा गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जिले भर में नाकाबंदी करवाई। सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार, सोजत सिटी थाना प्रभारी रामेश्वर लाल भाटी भी सोजत रोड थाने पहुंचे तथा सोजत रोड थाना प्रभारी सीमा जाखड़ से घटना की जानकारी ली। उसके बाद पीड़ित मोहनलाल जाट को लेकर उसकी दुकान पर गए तथा CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले। पुलिस ने आलावास रोड स्थित घटना स्थल का भी मुआयना किया। पुलिस इतनी बड़ी लूट की घटना की जांच में जुटी है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।